ये फोन मार्केट में लॉन्च होते ही आग लगा देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट IQ Neo 7 रेसिंग एडिशन। अब देखो, ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है और मेरी शक्ल तुम्हें चाइनीज तो लग नहीं रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये फोन अभी मेरे पास में नहीं आया। वैसे IQ Neo 7 सीरीज का ये तीसरा मॉडल है, इससे पहले IQ Neo 7 एंड IQ Neo 7 स्पीड एडिशन ये दोनों लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ और आप भी ज़रूर होंगे, वो है ये रेसिंग एडिशन, और आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। एंड डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर कोई नया फ़ोन परचेज करने की सोच रहे हो, देन डेफिनेटली ये वीडियो काम की है। क्यों है काम की, चलो बात करते हैं। देखो, अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि 2022 में इंडिया में सबसे अच्छे फ़ोन्स कौन से रहे हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग हर प्राइस रेंज में एक फ़ोन सेलेक्ट किया था, जिसमें मैंने 30,000 की लिस्ट में IQ Neo 6 को रखा था, क्योंकि ये फ़ोन ना एक अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन है, सभी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी दे देता है, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले वगैरह। अब इसी का सक्सेसर है IQ Neo 7। IQ Neo 7 सीरीज़ के तीन मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं, Neo 7, Neo 7 स्पीड एडिशन एंड थर्ड है Neo 7 रेसिंग एडिशन। एंड मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेसिंग एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट मिलने वाली है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहेगी इंडिया में अराउंड 30,000 to 35,000 रुपीज़, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है, बाकी तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। अब देखो, स्पेक्स वाइज अगर देखा जाए तो फ़ोन अच्छा लग रहा है। वैसे IQ के फोन्स ने अभी तक कोई ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर वेरीफाइड का थप्पा तो हम तभी लगाएंगे जब खुद से चेक कर लेंगे इंडिया में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ, अच्छा हो सकता है। एंड्रॉइड 13 के साथ ही लॉन्च हुआ है, सैमसंग की E5 AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशो कमाल का है, 93%। साइड बेजल्स बहुत कम है, नीचे की चिन भी कम है, सो डिज़ाइन वाइज भी कमाल का फ़ोन है। एंड काफ़ी ब्राइट डिस्प्लेस की बताई जा रही है, अप टू 1500 निट्स। इसके अलावा इसके अलग अलग वेरियंट्स हैं, 8256, 12256 एंड 16256। 128GB स्टोरेज का तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, पर हो सकता है कि इंडिया में 128GB वाला वेरियंट आ जाए ताकि कंपनी अपनी प्राइस कम कर सके। इसके अलावा कुछ गेमिंग फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, 4D गेम वाइब्रेशन, LPDDR5 रैम है, लेकिन यहाँ पर टेलीफोटो लेंस नहीं है, 50MP का वाइड लेंस है, देन अल्ट्रा वाइड एंड देन मैक्रो। स्टोरेज टाइप भी UFS 3.1 ही रहेगा। वैसे IQ 11 अभी लॉन्च होने वाला है, जिसमें UFS टाइप 4.0 है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है, 120W की फ्लैश चार्जिंग है, 197g वेट है, थोड़ा सा भारी लग सकता है, पर ये तो मैंने आपको कुछ इसके स्पेक्स बताए हैं। एंड स्पेक्स वाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये फ़ोन अच्छा हो सकता है, बाकी इंडिया में आने दो, फिर देखेंगे। वैसे आपको ये फ़ोन कैसा लगा, मन में लड्डू फूटा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हम फ्यूचर में भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट में भाई सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। अगर अच्छी लगती है तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अपनी दुकान बंद कर देंगे। फीडबैक ज़रूर देना। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।